दोस्तों, अगर आपके फ़ोन का भी जो इंटरनेट है वो बहुत स्लो चलता है, आप इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको आपके फ़ोन की कुछ सिंपल सी ट्रिक्स बताएंगे, जिसे करने के बाद आप देखेंगे कि आपके फ़ोन का जो इंटरनेट है बिल्कुल रॉकेट जैसा चलेगा। और अभी मैं आपको दोस्तों लाइव प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें करके दिखाऊँगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप भी अपने फ़ोन में बिल्कुल फास्ट इंटरनेट चलाते हैं और चाहते हैं जैसे ही आप कुछ भी चलाएँ, यूट्यूब ओपन करें फौरन YouTube ओपन हो जाए, कोई वीडियो प्ले करें जैसे टैप करें फौरन प्ले हो जाए, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको बिल्कुल अपने फ़ोन में कर पाएंगे। लेकिन आप जब इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तभी आप कर पाएंगे, बीच में वीडियो छोड़ेंगे फिर आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोग यहाँ पर इस बटन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। इतना करने के बाद आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना, और कमेंट बॉक्स में आपको एक अच्छी सी कमेंट लिख देनी है। आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है नाइस इंटरनेट ट्रिक और सेंड कर देना है। उसके बाद आपको बैक आना और वीडियो को आपके जितने भी दोस्त हैं, व्हाट्सएप पर ग्रुप्स हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। आप जैसे इतना कुछ कर लेते हैं तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, अब मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इन्हें करने के बाद आपके फ़ोन का इंटरनेट इतना फास्ट चलने लगेगा कि दोस्तों आपको खुद यकीन नहीं होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है, और यहाँ पर दोस्तों सबसे ऊपर ही आपको सेटिंग मिल जाएगी सिम एंड नेटवर्क सेटिंग के नाम से, या फिर कनेक्शन सेटिंग के नाम से सेटिंग होगी, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। और सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर इंटेलिजेंट नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको टैप करना है, स्मार्ट ड्यूल चैनल पर आना है, और यहाँ पर दोस्तों आपकी ये सेटिंग बंद होगी, तो इसे आपको क्या करना है, इस तरीके से ऑन कर देना है। अब इसके दोस्तों आप जब ऑन कर देंगे तो क्या होता है कि आप यहां पर लिखा हुआ है कि अलाउ इंटेलिजेंट सिलेक्शन ऑन वाईफाई एंड और मोबाइल डाटा टू स्पीड अप और इंप्रूव द नेटवर्क। इससे आपकी स्पीड जो है बढ़ जाती है और नेटवर्क की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, तो इसे आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको बैक आना है, और अब दोस्तों आपको सेकेंड सेटिंग करनी है, तो ऊपर आपको अपना सिम सेलेक्ट करना है। अगर आपके फ़ोन में दो सिम हैं तब आपको दो ऑप्शन आएंगे, तो आप जिस भी सिम से नेटवर्क चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। मेरे फ़ोन में एक ही सिम पड़ा है जियो 4G, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। अब दोस्तों यहीं पर आपको कुछ सिंपल सी सेटिंग करनी है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा चूज नेटवर्क का, तो यहाँ पर आपको आना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क। अब हो आपके फ़ोन में क्या होगा कि यहाँ पर ये सेटिंग दोस्तों बंद होगी, लेकिन आप देखते हैं हमारे फ़ोन में ये सेटिंग ऑन है। अब अगर आप इस सेटिंग को दोस्तों बंद करते हैं तो क्या होता है कि आपके फ़ोन का जो इंटरनेट है वो बहुत ही स्लो चलता है। तो यहाँ पर जब आप इसे ऑन करके रखेंगे तो आपका फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली सबसे बेस्ट नेटवर्क सेलेक्ट करेगा और सबसे फास्ट इंटरनेट आपके फ़ोन में चलेगा। तो इसे आपको हमेशा ऑन करके रखना है, जैसा कि मैंने ऑन किया हुआ, इसे आपको जो है बंद नहीं करना है, ओके, इसे ऑन ही रहने देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ से बाहर निकल आना है, और अब आपको दोस्तों तीसरे नंबर की सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर नीचे आपको एक्सेस पॉइंट नेम के नाम से सेटिंग मिलेगी, या फिर APN के नाम से सेटिंग होगी, तो इसे आपको ओपन करना है, यहाँ पर टैप करना है, और यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग्स दिखाई देंगी, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो मैं बताऊँगा वहीं पर आपको करना है। यहाँ पर आपको बैरियर की सेटिंग दिखाई दे रही है, तो आपको इस बैरियर वाली सेटिंग पर टैप करना है, और यहाँ पर अनस्पेसिफाइड पर सेट होगा, तो इसे आपको इसे टिक रहने देना है, और इसे LTE पर भी टिक कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है, ओके। तो ये पहली सीख करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको APN रोमिंग प्रोटोकॉल का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको टैप करना है, और यहाँ पर दोस्तों हो सकता है आपके फ़ोन में IPv4 पर सेट हो या फिर IPv6 पर सेट हो, तो इसे आपको क्या करना है, नीचे वाले पर सबसे IPv4 और IPv6 पर इस तरीके से सेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ से बाहर निकल आना है, और अब आपको लास्ट में एक सेटिंग करनी है जिसका नाम है दोस्तों आपको यहीं पर मिलेगी वो 5G, और ये सेटिंग बंद है। अब हो सकता है दोस्तों आपके फ़ोन में वो 4G लिखा हो या वोल्टी के नाम से सेटिंग हो, तो आपको इसे ऑन कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको बाहर निकल आना है बस। अब इतनी सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन को जो है एक बार फिर से रिफ्रेश करना है, उसके बाद आपको अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर देना है, मतलब स्विच ऑफ करके जो है स्विच ऑन करना। चलिए मैं कर देता हूँ यहाँ पर, और अब दोस्तों आप जैसे
ही अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करेंगे तो अब क्या होगा कि अब मैं अपने फ़ोन का इंटरनेट चला के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना यूट्यूब जो है ओपन किया और यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों कितने फास्ट तरीके से हमारे फ़ोन का यूट्यूब वगैरह चल रहा है। मैं कोई भी पेज अगर जो है रिफ्रेश करता हूँ और मैं एक वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं फ़ौरन से हमारा वीडियो जो है वो प्ले हो गया है। तो है ना दोस्तों कितना फास्ट। तो बस दोस्तों आप इस ट्रिक की मदद से अपने फ़ोन के इंटरनेट को फ़ौरन ही फास्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।